देखो, हाय फ्रेंड, देखो कितना इजी से सिंपल तरीका से कि हम क्या बनाया, रसमलाई बनाया। वो कैसे बनाया वो भी वीडियो में दिखाएंगे, आप लोग पूरा देखते रहना। बहुत कम समय में, बहुत टाइम भी कम लगता है, इसी में हम बनाया बहुत। अभी हम दुकान जा रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। घर के नज़दीक है, यहाँ ही है, ज़्यादा दूर नहीं। बच्चा भी सो रहा है अभी, उसको शोर छुला कर हम जल्दी से चटपटे बना लेंगे। चटपटी नहीं, कल हम क्या क्या बोलता है, मार्केट गया था तो रसमलाई खाया, बहुत अच्छा लगा। अभी हम दौड़ दौड़ के मार्केट गया, दुकान गया, दुकान से जल्दी से ब्रेड लेकर आया, और क्या बोले, इलायची लेकर आया, जल्दी से बना लेंगे। मेरा छोटा बेटा भी नहीं उठा अभी तक, इसी ब्रेड से बनाएंगे। हम भी फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं, कल मार्केट गया था, इतना अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा, इसीलिए आते ही तुरंत हम मोबाइल में चार्ज करके देखा। बहुत सिंपल इजी तरीका से भी रसमलाई बना सकता है, इसीलिए अभी हम ट्राई करेंगे, पता नहीं कैसे बनेगा, आप लोग भी देखते रहना। आज मॉर्निंग से हम बहुत काम किया, बहुत सारे कपड़ा धोया, ये सब पहले उठा लेते हैं। देखो बहुत सारे कपड़ा, ये सब मेरा छोटा बेटा का कपड़ा है, ये सब पहले अंदर कर लेते हैं, बहुत सारे कपड़ा हैं। अभी देख रहे हैं कितना सारे कपड़ा धोया, देखो इतना ज़्यादा, इधर भी तो और भी है। देखो हम अभी इसी ब्रेड को बनाएंगे। इसको पहले एक ग्लास लेंगे, ग्लास से काटेंगे, ऐसे दबा कर, तो ऐसे करके निकाल कर ग्लास से सब गोल गोल शेप वाला काटेंगे, इजी हो जाता है। ग्लास से गुस्सा थोड़ा टाइट करने से तुरंत हो जाता है। और जो है इसी को, जो बचा हुआ ब्रेड है उसको भी नहीं फेंकेंगे, पावरोटी उसको भी कुछ ना कुछ बनाकर खाएंगे। देखो ऐसे करके सब को निकालना है। देखो एक ग्लास में दबा हो गया है, ऐसे निकालो। देखो एक ब्रेड ले लो, ग्लास से दबा हो गया, ऐसे करके सब निकाल लेंगे अभी। उसके बाद बनाएंगे, आप लोग भी ऐसे ट्राई करके देख सकते हैं। कम समय में, बहुत कम समय में, कम खर्चा में, घर में भी बहुत टेस्टी टेस्टी रसमलाई बना सकते हैं। ऐसे दुकान में खरीदने से एक का ही 20 रुपीस लगता है, एक रसमलाई का दाम है। तो घर में ऐसे ब्रेड कम समय में बहुत इजी तरीके से बना सकते, पेट भर के खा सकते हैं, आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। देखिए बहुत सारे ब्रेड को कैसे निकाल दिया, सब एक ही साइज में। अभी उसको रसमलाई बनाने के लिए उसका दूध का तैयारी करता है। पहले दूध डाल दिया, अभी
उसको थोड़ा पकाने देने के लिए, उसका स्मेल अच्छा होने के लिए 3 ही सिर्फ इलायची देंगे। 10 रुपये में 1 पैकेट मिल जाता है, वहाँ से सिर्फ 3 डालेंगे। 1 चम्मच घी, घी डाल के उसको अच्छा से मिक्स करके देखो, उसके बाद थोड़ा सा जो दूध पाउडर है ना उसी को डाल रहे हैं, छोटा पैकेट खरीदा उसी को डाल के अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स होने के बाद देखो, उसके बाद हम डालेंगे क्या बोलते हैं केसर। देखो मेरा पास ऑलरेडी केसर था, बहुत दिनों से रखा हुआ है मेरा पास, उसी को डालेंगे। थोड़ा कलर भी सुंदर होता है, अच्छा भी होता है। जिसके पास केसर नहीं है वो थोड़ा सा हल्दी यूज़ कर सकता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, वो भी केसर जैसा ही कलर देगा। हम ज़्यादा नहीं कलर कर रहे हैं। देखो उसके बाद हम डालेंगे चीनी, चीनी डाल दिया, उसको अच्छा से गलने देंगे। बस बन गया, उसको थोड़ा सा घना करने के लिए रखेंगे, और बेली इलायची सब निकाल देंगे उसका स्मेल के लिए। हो गया, रसमलाई में अच्छा नहीं लगेगा, अभी निकाल के इसको फेंकेंगे। देखो गैस कम करके पका रहे हैं, भी हो गया। थोड़ा उसका रसा को घना कर रहे हैं, देखो बस उन गया, इसी को डालना है। देखा बस गया, कितना इजी तरीका से रस मलाई, बस उसको रस बना के ब्रेड के ऊपर डालो, बन गया बहुत टेस्टी वाला रस मलाई। ऐसे देखने में बाजार जैसा नहीं लग सकता है, फिर भी खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। देखो इसमें चेरी है मेरा पास ऑलरेडी, तो बीच में छोटा छोटा करके काट के बीच बीच में रख दिया। चेरी तो खाने के लिए भी अच्छा है और देखने भी सुंदर लगता है। देखो बन गया ना बाजार के जैसा, कम समय में 5 मिनट में ही रसमलाई बन गया। देखिए देखो प्रीति भी आ गया, हम लोग एक साथ खाने वाले हैं। कल हम मार्केट में खाया तो एक का दाम ही 20 रुपीज बहुत ज्यादा महंगा है, इसीलिए घर में आके तुरंत ही मोबाइल में चार्ज करके देखा वो कैसे बनाता है। ब्रेड में भी बहुत सिंपल से इजी से बना सकता है, इसीलिए हम बना कर देखा। अभी हम लोग सब मिलकर खाने वाले हैं, जल्दी आ जाओ, आ जाओ आर्यन नानू हाय। आज के लिए इतना तक वीडियो है, नेक्स्ट टाइम और एक वीडियो लेकर आएंगे। टाटा बाय बाय।